और फ्रिज में इतनी सारी मलाई जमा हो गई थी तो आज सबका घी निकाल दे रहा है, क्योंकि फिर अब रमजान आ जाएगा तो टाइम नहीं मिलेगा घी निकालना खड़े होकर के, तो इसलिए सबका घी निकाल के रख ही दे रहे हैं। और आरिज आज बोला है कि आज वो निकालेगा घी, तो खाता भी वही है, अभी उड़ेगा ना हाथ में पड़ेगा तो छोड़ के भागोगे, बस अब उड़ना शुरू हो रहा है आरिज, अब वो बहुत हाथ में छोड़ के चले गए, हो गया निकाल लिए घी, उड़ता ये उड़ता है, ये बहुत उड़ेगा, बहुत उड़ता है ये, जब तक इसमें पूरी अच्छी तरह से एकदम अलग नहीं हो जाता है, थोड़ा बहुत दूध है ना, हाँ अभी तो अभी दूध है ना इसमें, दूध और मिक्स है दूध के साथ घी, तो जब तक एकदम अलग नहीं होगा वो उड़ता रहेगा। और इतना घी निकल गया एक शीशी तो काफी है, आज इस बार ज्यादा नहीं निकला, हर बार एक इतना और थोड़ा और निकलता था, लेकिन इस बार एक शीशी ही निकला है, तो जल्दी निकाल दिया, नहीं तो और मलाई अब रखते तो फिर और निकलता। और आरिज जा रहा अभी अपने लिए कुछ खाने पीने का सामान लाने, चिप्स लाने के लिए, और बस दो दिन और है उसके बाद तो स्कूल खुल गया, और अभी तक उसके कॉपी किताब पे कुछ भी कवर नहीं चढ़ा। हाँ तुम्हारे आँख के डॉक्टर के पास भी गए नहीं, मौका ही नहीं मिला, इस बार इतने जल्दी स्कूल खुल गया, रोज तो कहीं ना कहीं निकल ही रहे हैं, और देखते हैं आँख के डॉक्टर के पास, हाँ सोच कर अब कहाँ पर है, कौन सा हमको पता भी नहीं, अच्छा कौन सा है देखते हैं, जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ, देर हो रही है। वेरी गुड आफ्टरनून, और अभी दोपहर के 1:40 हो रहे हैं, तो जोहर की नमाज पढ़ लिया, और आज फ्राइडे है तो पापा गए हैं नमाज पढ़ने, तो आज तो देर से आएंगे, 2 बजे तक आएंगे, और बाहर तो काफ़ी गर्मी हो रही है तो आएंगे तब तो अभी अच्छी खासी गर्मी लगेगी उन लोगों को, और रमज़ान में रोज़ा रख करके नमाज पढ़ने जाना उसमें तो और ज़्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन जाना ही है। और अभी हमको टिकिया भी तलना है, तो फ्रीजर से निकाल करके इसको रख दिया था, सवेरे ही निकाला था तो हो गया है सॉफ्ट, तो बस अब जाएंगे इसको भी तलेंगे, और बस वेट कर रहे थे कि आ जाए वो लोग नमाज पढ़ के, तो अभी तो 10 मिनट है, 10 मिनट में आएंगे। एकदम सॉफ्ट हो गया है टिकिया का, जो पीस के रखा था एकदम सॉफ्ट हो गया है, फ्रिज में रख देते हैं ना फ्रीजर में तो एकदम जम जाता है, तो उसको थोड़ा देर निकाल के रख दिया तो फिर सॉफ्ट हो गया, अगर इसको माइक्रोवेव में रख डाल देंगे ना तो थोड़ा सा कड़ा कड़ा ऊपर ऊपर हो जाता है, इसलिए इसको निकाल करके 2-3 घंटा आराम से रख देते हैं तो ये ठीक हो जाता है। अभी आरिज और अतीब गेम खेल रहा है, गेम खेलने में बिजी है दोनों। कौन सा गेम खेल रहा हो अतीब? तुम माइनक्राफ्ट, और आरिज वो भी वही खेल रहा है, सर दोनों साथ ही में खेल रहे हो माइनक्राफ्ट। और मम्मी नहीं आई अभी? नहीं, आज देर होगी लगता है उनको आने में, और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी चल रहा है लगता है, गिलास में बड़ा स्ट्रॉ रखा हुआ है लेकिन गिलास खाली है, कौन सा कोल्ड ड्रिंक चला था? नींबू पानी चला था। अच्छा चलो खेलो। और आरिज की किसी भी कॉपी में अभी तक कोई कवर नहीं चढ़ा है, ना कॉपी में ना बुक में, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, सुबह से इतना काम में बिजी हो जा रहे हैं, और अभी उसके बाद फिर ब्लॉग एडिट किया तो अब जा करके फ्री में, तो बोला है लॉ ला करके एक एक करके तुम्हारे कॉपी में कवर लगाएं, और वही है सारे कॉपी में तो वाइट वाला होगा और बुक में ये ब्राउन वाला होगा, तो देखते हैं सब क्या क्या मिला हुआ है। अच्छा ये क्या है? अच्छा कि कौन कौन साइज का है कवर, तो वही लिखा हुआ है इसमें, मीडियम इतना है, टोटल 17 है, फिर बिग है 24, ड्राइंग है 3, तो टोटल 44 शीट है, तो वही है। और ये तो सारे स्टिकर है, ये बाद में लगेगा, और ये ब्राउन वाला है तो वो तो बुक के लिए है, और कॉपी के लिए ये वाइट वाला है, कैसे होंगे ये कॉपी के लिए, ये वाइट है, ये वाली कॉपी में जाएगी, एक कॉपी में तो लग गया, और अभी इतनी सारी कॉपी है तो सबको लेकर के आते हैं और फिर लगाएंगे बैठ करके धीरे धीरे, अभी 2 दिन टाइम है, आज कल, आज फ्राइडे सैटरडे संडे, तो जितना हो पाएगा, नहीं तो फिर स्कूल खुलने के बाद 1-2 दिन और बीच में लगाना पड़ेगा। वैसे है स्कूल में मिस लोग कहती हैं कि स्कूल खुलने से पहले ही सारे पर कवर चढ़ा के लाने के लिए, सारे बुक और कॉपी पे, तो अभी तो एक ही लगाया है, और बुक लेकर के आ रहे हैं और इसकी कॉपी लेके आते हैं,
और अभी इतना और लेकर के आए, और अभी और भी बहुत है रजिस्टर मैथ की, तो वो सब अभी है ही है, जो रजिस्टर कॉपी है, प्रैक्टिकल कॉपी, पता नहीं प्रैक्टिकल वाले पर होगा या नहीं उसका नहीं मालूम है हमको, देखेंगे अभी। और लेकिन अभी इतनी कॉपी लाया, अभी और भी बहुत सारी, और बुक तो खैर है ही है। और हो गया, दो तीन कॉपी में लगा दिया है कवर, और अब ये फोर्थ कॉपी है, तो हम ये लास्ट करके अब जा रहे हैं, पहले नमाज़ पढ़ेंगे असर की, और उसके बाद फिर और कॉपी या बुक में कवर लगाएंगे। तो इतना हो ही गया, हो जाएगा, दो तीन दिन है टाइम, तो आराम से हो जाएगा। कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, नहीं तो कल हम और कर देते तो हो जाता। लेकिन कल स्कूल से आए तो तबीयत इतनी ख़राब लग रही थी, हिम्मत नहीं हुई कि कल कुछ पे भी कवर चढ़ाएं, एकदम हिम्मत नहीं हो रही थी, तो इसलिए टेप ही ख़त्म हो गया, ये लास्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो गया, ख़त्म हो गया, तो मंगाएंगे तब लगाएंगे, ये बच गया। और अभी तो 3-4-5 कॉपी ही लगी थी, सारा टेप सेलो टेप ही ख़त्म हो गया है। तो बोलते हैं आरिस को लेकर के आएगा, तो फिर आगे और लगाएंगे। और शाम हो गई तो जा रहे हैं आप चॉप रेमन बनाने के लिए, जो उस दिन लेकर के आए थे 9 to 9 से, फिर बनाया नहीं था। काफ़ी पहले हम लोग खाते थे चॉप रेमन, पता नहीं ये वही वाला है या चेंज हो गया है, तो आज लेके आए हैं, बनाते हैं। लेके आए तो थे उसी दिन 9 to 9 जिस दिन गए थे उस दिन, तो फिर बनाया नहीं है, तो आज ट्राई करके देखते हैं। थोड़ा डाल दिया मैगी की तरह, पहले तो बहुत खाते थे, ये टॉप रेमन आता था, मैगी थोड़ा सा ज़्यादा तीता होता था, ये कम होता था, तो पहले हम लोग ये वाला लाते थे, लेकिन पता नहीं वही टेस्ट है या चेंज हो गया। जब हम लोग छोटे थे ना तो बड़ा वाला पैक लाते थे, तो उसके साथ एक प्याला भी मिलता था हम लोगों को, इसी तरह प्लास्टिक का छोटा सा बॉल रहता था, तो वो भी मिलता था और अच्छा लगता था खाने में, थोड़ा मैगी से डिफरेंट टेस्ट रहता था। तो यही तो मिलता था, एक मैगी मिलता था और एक चॉप रेमन मिलता था, और सब तो कुछ नहीं। और अब तो फिर बहुत सारा आ गया है तरह तरह का, और इतनी सारी कॉपी पे कवर हो गया है, और अब थोड़ा ही सा बस इतना सा बच रहा है कॉपी में, बाकी बुक सब बच रहा है। और आज इस सारी कॉपी पे जिसपे हम कवर लगाया है सब पे स्टिकर लगा रहा है, नाम लिखेगा, तो बस हो ही गया। अब फाइल पे तो लगाना नहीं है, अब प्रैक्टिकल कॉपी का पता नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसकी प्रैक्टिकल कॉपी आई है, तो पता नहीं उस पर लगाना है या नहीं लगाना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब है प्रैक्टिकल, ऐसे प्रैक्टिकल कॉपी पे तो कवर लगता नहीं है, लेकिन हमको नहीं समझ में आ रहा है। सारी कॉपी पे कवर हो गया और नाम भी सब पे लिखा गया सारा, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं लिखा है, वो तो स्कूल में जाकर के सर लोग बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉपी है, तो फिर होगा, बाकी सारे कॉपी में हो गया। सिर्फ बुक बच रहा है, तो वो भी बस अब लगा ही देंगे, आज नहीं करेंगे तो कल लगा देंगे। सारी कॉपी हो गई इसकी कंप्लीट। अभी वेट वाली मशीन निकाला है कि रमजान से पहले सबका वेट कर लेंगे, फिर रमजान के बाद देखेंगे सबका कितना होता है। सीधा रखो। आरिस का कितना है? पूंछ सीधा रखो, ऊपर देखो कितना है तुम्हारा, उतना ऊपर सामने से तो देखिए, थोड़ा सा हमको लगता है कि वो बढ़ा हुआ है उधर से नीचे से। कितना है? 45। हाँ 45 लगता है। बताइए देखो कितना है पापा का? 55, 56, 57, 58 है। देखो हाँ लगभग 58 है, घट गया आपका वेट, 59 था लगभग। नहीं नहीं तो 58 ही था, 58 ही था। 2 किलो और बढ़ेगा तो पहले की तरह हो। ओ तो वैसा ही है, 58 ही है आपको। अच्छा देख रहे हैं कितना है तुम्हारा? तुम्हारा है 2 kg। 2 kg है, बताओ तुम्हारा है, देखते हैं तुम्हारा है 45, 46, 48 है तुम्हारा, 48 हो गया तुम्हारा, 48 है। हाँ मेरा बढ़ गया, हो गया, कर लिया सबका वेट रमजान से पहले, सबका वेट कर लिया है कि कितना कितना है। तो पापा का तो 58 ही है और आरएस का 45 है, और मेरा 48 थोड़ा सा बढ़ा है, मेरा 46 था मेरा, तो 2 kg बढ़ा है, तो ठीक है। नहीं तो फिर रमजान में तो 2 kg तो घटता ही है, तो अब ईद में करेंगे, ईद के दिन करेंगे या ईद के नेक्स्ट डे करके देखेंगे कितना हुआ है। तुम्हारा तो नहीं घटेगा, लेकिन आरिस का भी स्कूल खुल जाएगा तो उसको भी स्कूल जाएगा, लेकिन इस बार तो रखता है रोजा, उतना नहीं रख पाएगा कि पूरी रमजान इसका स्कूल खुला ही हुआ है इस बार। और क्या कर रहे हो तुम इधर हेडफोन लगा के आए हो?
और पापा गए नमाज पढ़ने और हम भी जा रहे हैं बस अब रोटी बनाने के लिए, और फिर अब 9:30 हो भी गया, खाना बनाएं, खाना खाएंगे उसके बाद फिर। और अब इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, गुड बाय।